A very good morning to all the students. I hope you all are doing really well. Today we are going to start a new topic, that is honey and honeybees. You all know what are honeybees. Honeybees are very useful. They are just like any other insect. They sit on one flower, the pollen grains get a stick to their body, then they fly to another plant, and this is how pollination takes place. But along with that, honeybees provide us something very good and very delicious and very beneficial for our health as well, and that is honey. Hota kya hai? Honeybees jo hoti hain, वो क्या करती हैं, वो एक फ्लावर पे बैठती हैं, उसका नेक्टर सक करती हैं, तो उसी नेक्टर से प्रोसेस होकर बनता है हनी। हनी क्या है? एक थिक सॉल्यूशन है जो बीज खुद बनाती हैं। काफ़ी सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जो बहुत अच्छा नेक्टर बीज को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सनफ्लावर, जामुन, इकलिप्टस। तो इन्हीं से क्या बनता है प्रोसेस होकर? हनी। होता क्या है, बीज अपने बी हाइव्स में रहती हैं। ये आपकी बुक में आपको डायग्राम गिवन है बी हाइव का, ये होता है हनी बीज का घर। कलेक्टिवली यहाँ पर हनी प्रोड्यूस करती हैं। हर बी हाइव में एक क्वीन होती है बीज की, जिसे हम क्वीन बी कहते हैं। काफ़ी ड्रोन्स होते हैं, मतलब काफ़ी मेल बीज होते हैं, और फिर और फीमेल वर्कर बीज होती हैं। मतलब एक क्वीन होती है बी की, उसके बाद काफ़ी ड्रोन्स होते हैं जो कि मेल होते हैं बीज में, और उसके अलावा फीमेल वर्कर बीज होती हैं। क्वीन का क्या काम है कि वो सिर्फ एग्स ले करती है, और जो वर्कर बीज होती हैं उनका क्या काम होता है, वो दो तरीके की होती हैं, फील्ड बीज और हनी बीज। ठीक है, तो होता क्या है, फील्ड बीज फ्लाई करती हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर बैठती हैं, नेक्टर को कलेक्ट करती हैं और अपने माउथ में स्टोर कर लेती हैं। उसके बाद वो अपने माउथ से वो नेक्टर कहाँ पर ट्रांसफ़र करती हैं, हनी बीज को ट्रांसफ़र करती हैं। फिर वो हनी बीज अपनी बॉडी से स्पेशल केमिकल्स रिलीज करके उस नेक्टर को प्रोसेस कराती हैं, और उसके बाद हनीकूम में जाकर ये जो होता है नेक्टर, उसको क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। ये हनीकूम का आपको एक डायग्राम गिवन है आपकी बुक में, इसी से प्रोसेस होता है हनी लास्ट में, और फिर बाद में वो यहाँ से हनी बन जाता है। तो होता क्या है इस प्रोसेस में, हमें पता है एक बी हाइव में क्वीन बी होती है जिसका काम होता है एग्स को ले करना। उसके अलावा काफ़ी सारे मेल बीज भी होते हैं, और बहुत ज़्यादा सी फीमेल वर्कर बीज होती हैं। फीमेल वर्कर बीज दो तरीके की होती हैं, फील्ड बीज और हनी बीज। फील्ड बीज का क्या काम है कि वो फ्लावर से टू फ्लावर फ्लाई करके जाती हैं, नेक्टर को कलेक्ट करती हैं अपने माउथ में, और उसके बाद ट्रांसफ़र कर देती हैं कौन सी बीज को, हनी बीज को। फिर हनी बीज क्या करती हैं, इस नेक्टर को और प्रोसेस करती हैं, इसमें केमिकल्स ऐड करती हैं अपनी बॉडी से, और ये जो प्रोसेस नेक्टर है उसके बाद स्टोर हो जाता है इस हनीकॉम में, और यहीं से वो हनी बनकर निकलता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हनी को प्रोड्यूस करने का, और ये प्रोसेस कौन करता है, हनी बीज करती हैं। इसके अलावा जो बी कीपर्स होते हैं, कुछ लोग हैं जो बी कीपिंग का वर्क करते हैं, वो सारे हनी को कलेक्ट कर लेते हैं जब बीज उनको बना लेती हैं। बी कीपिंग को एपिकल्चर भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, हनी बीज को ब्रीड करते हैं ये लोग हनी को प्रोड्यूस करने के लिए, और बीज को कहाँ पर रखा जाता है, बी फार्म्स में। So this is how the honey gets produced by the people. जो ये process होता है, जो ये process है bee keepers का honey collect करने का, उनको पूरी तरीके से bees को रखने का, उसको हम कहते हैं apiculture. Got it? I hope you have got this topic. Today we are gonna discuss this. Thank you.